गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का मेरे हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम देखेंगे ए की मात्रा और ए की मात्रा से बने हुए कुछ अन्य शब्द। तो बच्चों चलिए देखते हैं। क को ए की मात्रा लगाया तो के, केतली। ख को ए की मात्रा लगाया तो खे, खेत। ग को एक ही मात्रा लगाया तो गे, गेहूँ। घ को एक ही मात्रा लगाया तो घे, घेरा। च को एक ही मात्रा लगाया तो चे, चेरी। छ को एक ही मात्रा लगाया तो छे, छेद। ज को एक ही मात्रा लगाया तो जे, जेब। झ को एक ही मात्रा लगाया तो झे, तो मुझे। ट को एक ही मात्रा लगाए तो टे, लालटेन। ठ को एक ही मात्रा लगाए तो ठे, ठटेरा। ड को एक ही मात्रा लगाए तो डे, डेरा। ढ को एक ही मात्रा लगाए तो ढे, ढेर। अण को एक ही मात्रा लगाए तो ने, गणेश। त को एक ही मात्रा लगाए तो ते, तेल। थ को एक ही मात्रा लगाए तो थे। द को एक ही मात्रा लगाए तो दे, देना। ध को एक ही मात्रा लगाए तो धे, सीधे। न को एक ही मात्रा लगाए तो ने, नेता। बच्चों आपको समझ में आया? मैं फिर से दोहराती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ दोहराइए। क को एक ही मात्रा लगाया तो क्या बन गया? के, केतली। ख को एक ही मात्रा लगाया तो खे, खेत। ग को एक ही मात्रा लगाया तो गे, गेहूँ। घ को एक ही मात्रा लगाए तो घे, घेरा। च को एक ही मात्रा लगाए तो चे, चेरी। छ को एक ही मात्रा लगाए तो छे, छेद। ज को एक ही मात्रा लगाए तो जे, जेब। झ को एक ही मात्रा लगाए तो झे, मुझे। ट को एक ही मात्रा लगाए तो टे, लालटेन। ठ को एक ही मात्रा लगाए तो ठे, ठटेरा। ड को एक ही मात्रा लगाए तो डे, डेरा। ढ को एक ही मात्रा लगाए तो ढे, ढेर। न को एक ही मात्रा लगाए तो ने, गणेश। त को एक ही मात्रा लगाए तो ते, तेल। ठ को एक ही मात्रा लगाए तो थे। द को एक ही मात्रा लगाए तो दे, देना। ध को एक ही मात्रा लगाए तो धे, सीधे। न को एक ही मात्रा लगाए तो ने, नेता। बच्चों आप लोग इन शब्दों को अपनी कॉपी में उतार लीजिए और साथ ही बार बार करके आप इनको पढ़िए और इनको याद कीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।